नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए, जनपद सिद्धार्थनगर नगर के चौकीदार संघ ने प्रदर्शन महारैली निकाल कर अपनी मांगों को लेकर लड़ाई में जुट गया। हजारों की संख्या में चौकीदार आज जिले में एकजुट होकर नजर अपनी मांगों को लेकर चौकीदार संघ कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर साड़ी तिराए होते हुए हाइड्रल तिराए से खजुरिया रोड होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट पर परिसर एक प्रदर्शन व नारेबाजी की। संघ ने बिहार में चौकीदार को मिल रहे भत्ते का हलवा देते हुए बिहार के समान उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को भत्ता दिया जाए। साथ ही थानों में जिस प्रकार चौकीदारों का शोषण हो रहा उस पर रोक लगाया। थानों के एक बैरक चौकीदार को दिया, जिससे चौकीदार भी एक निश्चित स्थान पर आराम से भोजन पानी कर सके और विश्राम कर सके। बरसात अथवा आंधी तूफान से चौकीदार इधर उधर दीवार के सहारे छुपने पर मजबूर होता है। ऐसे में चौकीदारों के लिए विश्रामालय बनाया जाए। ऐसे कई मुद्दे को लेकर संघ ने जोरदार प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिले के चौकीदार एक सार्थक रैली नजर आ। पुरुष के साथ महिला चौकीदार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मांगे ना सुने जाने पर संघ ने आगामी समय राज्य स्तरीय प्रदर्शन की चेतावनी शासन को मीडिया माध्यम से देने की बात कर चुका। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर के शर्मा की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।